ज़माने कदीम से ही वसाइल से मालामाल और इंतहाई तरक्याफ्ता समझे जाने वाले इलाके सवात से हाल ही में बुद्धमत दौर की फ्रेस्को आर्ट की 2000 साल पुरानी पेंटिंग दरियाफ्त हुई हैं। यूं तो पाकिस्तान में आसार कदीमा की दरियाफ्त में सिक्के, बर्तन और दीगर रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया तो अक्सर मिल जाती हैं, लेकिन पेंटिंग का दरियाफ्त होना नायाब है। ताहम हाल ही में पाकिस्तान में बुद्धमत के दौर की पेंटिंग्स दरियाफ्त हुई हैं, जो माहिरीन के मुताबिक कमोबेश 2000 साल कदीम है। ये पेंटिंग्स फ्रेस्को आर्ट में बनाई गई हैं और ये दरियाफ्त एक इंतहाई बड़ी कामयाबी तसव्वुर की जा रही है। फ्रेस्को आर्ट का आगाज कैसे हुआ, इस हवाले से कोई वाज़ह तहकीक मौजूद नहीं, लेकिन कहा जाता है कि फ्रेस्को अतालवी जुबान का लफ्ज़ है और फ्रेस्को पेंटिंग का आगाज इटली में 13वीं सदी ईस्वी में हुआ, यानी आज से तकरीबन 700 साल का। इस बारे में मजीद ये भी कहा जाता है कि फ्रेस्को आर्ट 3300 कबल ईस्वी यानी ज़माना कदीम में पाया जाता है, लेकिन इसकी किसी पेंटिंग का जिक्र सामने नहीं आया। इस दरियाफ्त के बाद ये वाजह हो जाता है कि फ्रेस्को आर्ट का आगाज़ इस खत्ते में बुद्धमत के दौर में हो चुका था, जबकि मिस्र में ज़माना कदीम में इस फन के आसार मिलते हैं। महकमा आसार कदीमा वालों का बताना है कि हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा के इलाके सवात के करीब अब्बास सीना में बुद्धमत दौर का एक बड़ा कॉम्प्लेक्स दरियाफ्त हुआ है, यानी ये तख्त भाई की तरह एक बड़ा इलाका है जहाँ पर मुतअद्दिद ऐसे आसार मिले हैं जो 2000 साल कदीम हैं। महकमा आसार कदीमा का डायरेक्टर अब्दुल समद खान ने बताया कि पेंटिंग्स या इन फनपारों की दरियाफ्त एक बड़ी कामयाबी है और इससे बुद्धमत के दौर को समझने के लिए मजीद तहकीक की जरूरत है, और ये वाजह हो जाता है कि उस दौर में भी इस तरह की टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती थी। माहिरीन के मुताबिक बुद्धमत के इस कॉम्प्लेक्स से पेंटिंग्स के अलावा चार बड़े स्तूपा, मोनेट्सी यानी बादशाहत के दौर के हिस्से, दीगर मादरात और ऐसे सिक्के मिले हैं जो पहली सदी ईस्वी के हैं। इसमें एक अहम दरियाफ्त दोहरी मंजिल वाली इमारत यानी डबल स्टोरी इमारत भी मिली है। इस मुकाम पर अब तक सिर्फ 40% खुदाई की गई है। अब्दुल समद खान ने बताया कि फ्रेस्को बोनो, फ्रेस्को सीको और टेम्परो टेक्निक ये तीन मुख्तलिफ इकसाम की पेंटिंग्स हैं और इसमें गीली यानी तर सतह पर पेंटिंग बनाई जाती है और इसमें स्याही जज्ब हो जाती है और इससे मुस्तकिल हो जाती है। बाज़ माहिरीन का कहना है कि प्लास्टर की दो मुख्तलिफ तहें कायम की जाती हैं और इन्हें खुश्क होने दिया जाता है, जिसके बाद अक्स के खदोखाल तराश लिए जाते हैं। इस पर फिर पेंट या रंग के साथ इसको एक शक्ल दी जाती है। मारूफ आर्टिस्ट अजब खान ने बताया कि फ्रेस्को आर्ट इंतहाई कदीम है और आज भी पाकिस्तान और इंडिया में यह काम मुख्तलिफ मसाजिद और दीगर अहम इमारतों में किया जाता है, क्योंकि इसकी पेंटिंग पायदार होती हैं और लंबे अरसे तक कायम रहती हैं। अब्दुल समद खान ने बताया कि अब तक 3 नायाब पेंटिंग्स दरियाफ्त हुई हैं जिनकी लंबाई और चौड़ाई 6 फीट और 6 इंच है। पेंटिंग की हालत ना तो अच्छी है और ना ही बहुत ख़राब, ताहम इसको महफूज किया जा सकता है। इन पेंटिंग में बुद्धा के दो मुख्तलिफ अदवार के अक्स हैं। इनमें से एक अक्स बुद्ध अस्तवा का है और इसका मतलब बुद्धा का वो दौर है जब वो इबादत के एक अहम दौर से गुजर रहा था और उस वक्त तक बुद्धा मुकम्मल नहीं हुआ था। दूसरा अक्स बुद्धा के मुकम्मल होने का है जब इबादत और रियाजत के बाद बुद्धा का दर्जा हासिल हो गया था। ये पेंटिंग जेर ज़मीन दरियाफ्त हुई हैं और इनको इंतहाई महारत से निकाला गया है। अब्दुल समद खान के मुताबिक इन पेंटिंग को महफूज कर लिया गया है और अब इनको सवात के अजायब घर में ऐसी जगह रखा जाएगा जहाँ हवा का गुजर ना हो। याद रहे कि पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के बाला इलाके गंधारा तहजीब का मरकज़ है और यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में तख्तपाई समेत बुद्धमत के कोई 2000 ऐसे कदीम आसार दरियाफ्त हो चुके हैं। अब्दुल समद खान के मुताबिक पाकिस्तान का यह इलाका वस्ती एशिया, चीन और दीगर ममालिक से मुंसलिक था और यहाँ तालीम के बड़े इदारे कायम थे। पाकिस्तान में अब इन बुद्धमत के मुकामात और दीगर सियाहती मराकज़ कायम करके मजहबी सियाहत को फ़रोग दिया जा रहा है और इसी सिलसिले में बुद्धमत के पैरोकार श्रीलंका और कोरिया से पाकिस्तान के दौरे कर चुके हैं। माहिरीन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में मजीद सियाहती मकामात भी कायम किए जा रहे हैं, जिनमें मनकियाल, मदकलाश, चंडियानी और मानसेहरा में बैन अल-अक़वामी मायार के सियाहती मराकज़ के अलावा कमराट, बिनशाही, बटग्राम और शांगला में भी सियाहती मराकज़ कायम किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में महकमा आसार कदीमा और सियाहत के एक बयान के मुताबिक सूबे में काइट प्रोजेक्ट के तहत आसार कदीमा के नामुनफरिद मकामात की बहाली का फैसला किया गया है। यूनेस्को की आलमी सकाफती वर्षा की फहरिस्त में शामिल भमाला खानपुर, शाहपुरा सूपा और जमरूद कला, डिस्ट्रिक खैबर पशमाल मस्जिद सवाद, तारीखी काला मस्जिद, अडिग्राम मस्जिद, हंड म्यूजियम, चकदरा म्यूजियम और अजायब घर मर्दान शामिल हैं। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।